हिमाचल विधानसभा बजट पे वोटिंग से पहले हंगामा, स्पीकर ने जयराम ठाकुर समेत 14 विधायकों को सस्पेंड किया। हिमाचल विधानसभा में बुलाए गए मार्शल्स, वेल में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। हिमाचल में सुखू सरकार को बड़ा झटका, सुखू सरकार के मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायकों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया, कहा पिछले एक साल से मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। हर्ष महाजन ने किया बड़ा दावा, कहा बीजेपी जल्द हिमाचल प्रदेश में बनाएगी सरकार, कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में। तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य को दी 17,300 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल्स को किया उन्होंने लॉन्च, कोची शिपयार्ड में किया गया जहाज का निर्माण। प्रधानमंत्री ने 1,477 करोड़ की रेल योजनाओं का दिया तोहफा, 4,586 करोड़ रूपये की 4 सड़क परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के अपने संकल्प के साथ तमिलनाडु को जोड़ा, कहा विकास का नया अध्याय लिख रहा तमिलनाडु। आज महाराष्ट्र भी जाएंगे प्रधानमंत्री, 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देश में हिजाब पे जंग जारी, अब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने उठाया मुद्दा, कहा मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा हम चाहते हैं ना हिजाब जबरन पहनाया जाए ना जबरन उतरवाया जाए। हिजाब पहना जाता है और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि ना तो हिजाब जबरदस्ती पहनाया जाए और ना जबरदस्ती उतरवाया जाए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से तकरार के आसार, सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने रोकी दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी। सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही किया था ऐलान, सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल होने जा रहे थे जीरो। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। तिरुपति के स्वामी मंदिर में रूसी श्रद्धालुओं ने की राहु केतु की पूजा, बड़ी संख्या में रूसी महिलाएं पहुंची। मुंबई में रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्र राजदूत आयुष्मान खुराना हुए शामिल। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना ने लोगों को किया सम्मानित, दी बधाई। एमपी के मुरैना में समस्त ब्राह्मण समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे। गगनयान एस्ट्रोनॉट प्रशांत नायर हैं मलयालम एक्ट्रेस लीना के पति, सोशल मीडिया पर शादी को लेकर किया खुलासा। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि, सावरकर की बायोपिक में रणदीप हुड्डा निभा रहे हैं उनकी भूमिका। सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने रियल एस्टेट में किया है इन्वेस्ट, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रायगढ़ जिले के अलीबाग में सुहाना ने 10 करोड़ रुपए की कृषि भूमि खरीदी। एक्टर विक्रांत मैसी ने अपनी अपकमिंग फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, फिल्म 3 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। मुंबई में फिल्म फेरी फोक की हुई विशेष स्क्रीनिंग, अभिनेत्री रसिका दुग्गल, मुकुल चड्डा सहित कई फिल्म स्टार्स नजर आए।